जय श्री राधे भक्तों, जय श्री राम। हर साल की भांति रक्षाबंधन का पर्व श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है और इस साल की पूर्णिमा तिथि 11 अगस्त को शुरू हो जाएगी। 11 अगस्त 2022 को पूर्णिमा तिथि 10:37 पर शुरू होकर 12 अगस्त को सुबह 7:06 पर समाप्त हो रही है। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि 11 अगस्त को भद्रा है और उदया तिथि में पूर्णिमा नहीं है, इसलिए रक्षाबंधन 12 अगस्त को ही मनेगी। लेकिन लोग कई और जरूरी बातों को नजरअंदाज कर रहे हैं। ब्राह्मणों का कहना है कि इस बार 11 अगस्त को भद्रा होने के बावजूद बहनें भाइयों को राखी बांध सकती हैं। आइए जानते हैं इसके पीछे का कारण। शास्त्रों के अनुसार दूसरे दिन भी अगर पूर्णिमा है, यानी उदया तिथि के दिन है, और उस दिन अगर पूर्णिमा तिथि मुहूर्त तक है तो हमें दूसरे दिन रक्षाबंधन मनाना चाहिए। लेकिन अगर त्रिमुहूर्त व्यापनी दिन तक नहीं है, त्रिमुहूर्त व्यापनी दिन तक नहीं है, तो अगले दिन राखी नहीं मनानी चाहिए। इस हिसाब से 11 अगस्त को ही रक्षाबंधन मनाया जाना चाहिए। अब मुहूर्त की अगर गणना के अनुसार देखा जाए तो 11 अगस्त को सुबह 11:37 से 12:29 तक अभिजित मुहूर्त रहेगा। 11 अगस्त गुरुवार को दोपहर 2:14 से 3:07 पर विजय मुहूर्त रहेगा और इस तरह से भद्रा काल के रहते इस समय राखी बांधी जा सकती है। अब रक्षाबंधन पर भद्रा है कब तक? रक्षाबंधन पर भद्रा का जो मुख है सुबह 6:18 से लेके 8 तक का है। रक्षाबंधन भद्रा काल समाप्त हो जाएगा 8:51 पर। अब रक्षाबंधन पे प्रदोष मुहूर्त भी है। प्रदोष मुहूर्त ऐसा है रक्षाबंधन पर शुभ योग। ज्योतिषीय गणना के अनुसार इस बार 11 अगस्त को गुरुवार को आयुष्मान सौभाग्य और ध्वज नामक योग बन रहा है। इसके अलावा रक्षाबंधन पर शंख, हंस, सतकीर्ति नाम के राजयोग भी बन रहे हैं, जिसे बहुत ही शुभ योग माना जाता है। वहीं अगर ग्रहों की बात करें तो रक्षाबंधन पर गुरु और शनि बकरी होकर अपनी अपनी राशि में विराजमान हो रहे हैं। लेकिन ऐसे में सवाल ये उठता है कि रक्षाबंधन मनाना कब चाहिए? काफी लोगों के मन में ये मतलब मन में विचार आ रहे हैं कि रक्षाबंधन कब मनाए। कई लोगों के फोन भी आए मेरे पास। अब रक्षाबंधन के दिन भद्रा काल और पूर्णिमा तिथि को लेकर भ्रम की स्थिति होने के कारण कुछ विद्वान जन प्रदोष काल में राखी बांधना शुभ मना रहे हैं। धर्म ग्रंथों में किसी भी तरह का शुभ कार्य या पूजा करने के लिए प्रदोष काल को सबसे अच्छा समय माना गया है। प्रदोष काल का जो मतलब यानी सूर्यास्त के बाद करीब 2.5 का समय सबसे शुभ होता है। प्रदोष काल में भी सभी तरह के शुभ कार्य और पूजा पाठ करने का विशेष विधान होता है। ऐसे में 11 अगस्त को यानी कि आज 11 अगस्त को प्रदोष काल के शुभ मुहूर्त में राखी बांधी जा सकती है। लेकिन कई लोग विचार फिर भी कर रहे हैं और हमने ये लोगों के पास व्हाट्सएप पे लिख के भी भेजा कि 11 अगस्त को रक्षाबंधन है, तो कुछ लोगों के फोन आए गुरुजी 12 को क्यों नहीं? अब 12 को क्यों नहीं? रक्षाबंधन पर्व भद्रा रहित अपराह्न व्यापनी पूर्णिमा मानने की शास्त्र आज्ञा है, तो पूर्णिमा 11 अगस्त को ही पूरे दिन प्राप्त हो रही है, परंतु भद्रा भी रहेगी। इस दिन भद्रा का वास पाताल में है, जो कि शुभदायक होता है। अतः भद्रा के मुख और पूंछ काल को छोड़कर, जैसा कि भद्रा जो है पाताल में है ना कि पृथ्वी पर, अतः भद्रा के मुख और पूंछ काल को छोड़कर पूरे दिन में प्रेम से त्योहार मनाया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। भद्रांते रक्षाबंधनम अर्थात भद्रा के बाद रक्षाबंधन अत्यंत शुभ है, परंतु भद्रा तो रात्रि तक रहेगी। तो अब रात्रि तक अगर भद्रा रहेगी तो रात्रि में भी भद्रा के बाद करना चाहिए। निर्णायन तक मृत जो निर्णय सिंधु के अनुसार रात्रि में भी किया जा सकता है। 12 अगस्त को क्यों नहीं मनानी चाहिए, मेन जो बात है जो लोग पूछ रहे हैं 12 अगस्त को क्यों नहीं, तो इस दिन पूर्णिमा प्रतिपदा से युक्त है। निर्णय ग्रंथ मदन रत्न के स्पष्ट लिखा है कि प्रतिपदा युक्त पूर्णिमा न करें, स्पष्ट लिखा है उसमें। कुछ लोग उदया तिथि के नाम पर 12 की मना रहे हैं, परंतु 12 अगस्त को बहुत कम समय के लिए पूर्णिमा है, जो कि 3 मुहूर्त से भी कम है। निर्णय सिंध के अनुसार
अगर रक्षाबंधन मनानी है तो सिर्फ 11 को। अब पूर्णिमा को जो आप सभी की विशेष जानकारी के लिए बता दूं, रक्षाबंधन 11 अगस्त को ही मनाया जाएगा, क्योंकि 12 अगस्त को पूर्णिमा त्रिमुहूर्त नहीं है। मना सकते ऐसी अवस्था में पूर्व दिन अर्थात यानी आज 11 अगस्त को भद्रोपरांत पूर्व प्रदोष काल है। मैं विशेष मुहूर्त भद्रा मुख का त्याग कर भद्रा पुच्छ काल में भी रक्षाबंधन शुभ होता है। अति शुभ मुहूर्त जो है आज का जो शुभ मुहूर्त है वो 8:52 से लेकर 10:48 तक रहेगा, तो अति शुभ मुहूर्त है। और भद्रा काल में रक्षा सूत्र बांधने से हानि, रक्षाबंधन पर भद्रा काल में रक्षा सूत्र नहीं बांधने की परंपरा पीछे पौराणिक कथा है कि एक बार लंकापति रावण की बहन ने भद्रा काल में ही उनकी कलाई पर राखी बांधी थी, जिस वजह से उनकी एक ही वर्ष में विनाश हो गया, मृत्यु हो गई उनकी। और भद्रा कोई और नहीं शनिदेव की बहन थी। भद्रा को ब्रह्मा जी से श्राप मिला था कि भद्रा काल में जो भी शुभ काम या मांगलिक कार्य होगा उसका परिणाम अशुभ होगा। ऐसे में इस साल रक्षाबंधन का पर्व 11 अगस्त 2022 गुरुवार के ही दिन मनाया जाएगा। भद्रा पाताल लोक में है और इसके पाताल लोक में होने की वजह से ये शुभ फलदायी साबित होती है। पूर्णिमा तिथि 11 अगस्त को सुबह 10:37 से शुरू होकर 12 अगस्त को सुबह 7:05 पर समाप्त होगी। ऐसे में पूर्णिमा तिथि 11 को पूरा दिन श्रेष्ठ है, आप राखी बांध सकते हैं 11 तारीख को। अतः मैं आप सभी लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि रक्षाबंधन आज बड़ी धूमधाम से मनाइए, किसी की बातों में मत आइए। और आज 11 तारीख का रक्षाबंधन शुभ है, सभी लोगों को जय श्री राधे, जय श्री राम। वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।